आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेंगे जिसने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन्होंने इनोवेटर्स की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया है। इनके काम के चलते इनके आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज के मालिक एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क से तो आप भलीभांति परिचित होंगे। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अलग अलग कंपनीज की सहायता से खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तक पहुंचने में लोगों को दशकों लग जाते हैं पर फिर भी पहुंच नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम एलन के जीवन की उस कहानी को शुरू से जानेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वह कुल 3 भाई बहन है जिनमें सबसे बड़े एलन ही थे। एलन मस्क की माँ का नाम माय मस्क है जो एक ब्रिटिश कैनेडियन मॉडल हैं। वहीं इनके पिता का नाम एरोल मस्क है जो साउथ अफ्रीका में जन्मे ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करती थी। एलन मस्क के माता पिता का डाइवोर्स 1980 में हो गया था जब वह करीब 9 वर्ष के थे, जिसके बाद एलन ज्यादातर समय अपने पिता के साथ ही साउथ अफ्रीका में रहे हैं। एलन मस्क बचपन से ही काफी समझदार थे। वह अक्सर नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। वह आइज़ैक आसिमोव की साइफाई नॉवल से भी काफी प्रभावित थे। वह लगभग 10 साल के थे तब उन्होंने खुद को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिया था, और जब तक वह 12 वर्ष के हुए तब तक वह अपना एक गेम बना चुके थे जिसे उन्होंने $500 की कीमत में एक कंपनी को बेच दिया। एलन 18 साल के भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही कनाडा अपनी ग्रेजुएशन करने चले गए। उनके पिता चाहते थे कि वह प्रिटोरिया से ही अपनी ग्रेजुएशन करें, पर एलन ने कनाडा जाना उचित समझा। उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्वींस यूनिवर्सिटी से ली, जिसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में ड्यूअल डिग्री हासिल करी। इतना ही नहीं बल्कि एलन के पास आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन से डॉक्टरेट भी हासिल है, और इसके अलावा उनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी एक डॉक्टरेट हासिल है। 1995 में एलन मस्क अप्लाइड फिजिक्स में PhD करने के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड में गए, पर वहां पर कुछ ही दिन पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उसी साल एलन ने अपने भाई केम्बल मस्क के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 बनाई। ये कंपनी काफी सफल साबित हुई और ये अपनी सर्विसेज द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसी कंपनीज को देती थी। 1992 में Zip2 को कॉम्पैक ने खरीद लिया। इसके बाद एलन मस्क बिना कोई समय बर्बाद किए अपने अगले वेंचर पर जुट गए, जो कि एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस थी जिसका नाम X.com था। इसके कुछ समय के बाद ही कंपनी ने PayPal, जो कि एक मनी ट्रांसफर सर्विस थी, उसको एक्वायर कर लिया। PayPal ऑनलाइन मनी ट्रांसफर्स के जरिए काफी लोकप्रिय साबित हुई। एलन ने $165 मिलियन की कीमत पर अपने स्टॉक्स ईबे को बेच दिए और आगे बढ़े। ईबे से मिली रकम को उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि SpaceX में लगाया। इसके अलावा एलन मस्क ने कई ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करा जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इनमें सोलर सिटी और टेस्ला जैसी कंपनी शामिल हैं। एलन मस्क की दूरदर्शी नजर का ही कमाल था कि वह भविष्य को पहचान सके और समझ सके कि समय की जरूरत क्या है, और इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा अपने समय से आगे की रही है, चाहे वह हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हो या फिर SpaceX जैसी कंपनी को बनाना हो। एलन मस्क हमेशा से ही अपने कमाल के अप्रोच के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। SpaceX और टेस्ला जैसी कंपनीज को सफल बनाने में भी एलन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वो टेस्ला की शुरुआती गाड़ियों पर नेगेटिव फीडबैक हो या फिर SpaceX के बाद एक फेल्ड लॉन्चेस। एलन मस्क ने हमेशा अपने जुनून को एकत्रित करा और एक बार फिर से ट्राई करने के लिए आगे बढ़े, और कभी ना हार मानने वाले इसी जज्बे के कारण कई बार हार और निराशा हाथ लगने के बाद भी वह जीत की ओर आगे बढ़ते रहे। आज जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वे न केवल एलन मस्क से प्रेरणा लेते हैं बल्कि उनकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। एलन मस्क ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। हम उम्मीद करते हैं वे इसी तरह से कमाल की टेक्नोलॉजीज पर काम करते रहेंगे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे।